दोस्तों कैसे हैं आप। मैं इकबाल आपका आईक्यू टेक्निकल में इस्तकबाल करता हूँ। आज मैं आपके लिए लाया हूँ जूक के पार्क की ब्लूटूथ स्पीकर की अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू, जिसका नाम है जूक रॉकर थंडर प्लस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस ब्लूटूथ स्पीकर के फीचर्स क्या क्या हैं, और साथ ही हम इसको प्ले करके भी सुनेंगे इसका साउंड कैसा है, बेस कैसा है। ये फ्लिपकार्ट से आपको 3,899 रुपये में मिल जाता है। तो चलिए फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये 40 वॉट्स का स्टीरियो स्पीकर है। इसमें 2 20-20 वॉट्स के स्पीकर हैं। यहाँ कुछ फीचर्स मेंशन है, जैसे FM रेडियो, TF कार्ड सपोर्ट, USB पोर्ट, लिथियम बैटरी, इक्वलाइजर और करोक एट्सेट्रा। अब इसे बॉक्स से निकाल कर देखते हैं कि ब्लूटूथ स्पीकर दिखता कैसा है, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, और हम इसे प्ले भी करके देखेंगे। ये इसके एक्सेसरीज हैं जिसे हम बाद में निकाल कर देखेंगे, और ये जूक की ब्रांडिंग का माइक है, इसे भी हम यूज़ करके देखेंगे। ये रहा हमारा जूक का पार्टी ब्लूटूथ स्पीकर, जूक रॉकर थंडर प्लस। एकदम टावर के जैसा है। इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन बड़ी अच्छी है, और ये बहुत लाइट वेट है। इसके सामने जूक की ब्रांडिंग है। इसके टॉप में सारे कंट्रोल्स हैं, सेंटर में इसके वॉल्यूम रॉकर है, लेफ्ट में वाइड माइक के लिए पोर्ट दिया हुआ है, उसके नीचे LED लाइट के लिए ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है, चार्जिंग पोर्ट है, फिर मोड है जैसे ब्लूटूथ मोड, FM मोड, फॉरवर्ड प्ले बैक के बटन्स है, फिर ऑक्स केबल का पोर्ट है, और SD कार्ड और USB पोर्ट दिया हुआ है। इस ब्लूटूथ स्पीकर की हाइट 1.5 फीट है। 6.5 इंच के दो वर्टिकल ड्राइवर है यानी स्पीकर्स है, और इसे रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। वॉल्यूम अप क्लॉकवाइज होती है, और इसमें 0 to 30 तक के वॉल्यूम दिया हुआ है। ये रिमोट पर भी बराबर काम करता है, ये अच्छी बात है। ये इसके एक्सेसरीज हैं। ये ऑक्स केबल है जिसकी लंबाई 1 मीटर है, और ये चार्जिंग केबल है माइक्रो USB to USB। केबल्स की क्वालिटी अच्छी है, और ये वारंटी कार्ड है। साथ में एक यूज़र मैनुअल है, चाहो तो आप इसे पढ़ सकते हो, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है। और ये रिमोट कंट्रोल है, छोटा सा है मगर बड़ा काम का है। ये इसके साथ आया हुआ वायरलेस माइक है, इसका जो ब्लू बटन है वो ऑन ऑफ के लिए है। ये सेल पर चलता है जिसके अंदर 2 सेल लगता है। सेल एक्सेसरीज में नहीं आता है, ये आपको ख़रीदना होगा। अब देखते हैं इसकी आवाज़ कैसी है। YouTube पर करोक सॉन्ग प्ले किया है जिसमें म्यूज़िक और फीमेल सिंगर की आवाज़ है, लेकिन मेल सिंगर की आवाज़ आप माइक से सुनेंगे। आप इसे अपने लैपटॉप या मोबाइल से सुन रहे होंगे, इसलिए आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी, लेकिन आप यकीन मानिए मैं डायरेक्ट सुन रहा हूँ, इसके माइक की आवाज़ लाउड और क्लियर है। अब मैं आपको इस ब्लूटूथ स्पीकर का साउंड सुनाता हूँ। ये सारी कॉपीराइट फ्री म्यूजिक्स हैं। इन म्यूजिक्स का क्रेडिट एनसीएस को जाता है, जो यूट्यूब पर आसानी से मिल जाती है। आप सुनिए और जज कीजिए, और आखिर में मैं भी बताऊंगा कि इसका साउंड मुझे कैसा लगा। ये सारी म्यूजिक मैंने 20 से अप टू 30 तक प्ले की है, और 30 इसका फुल वॉल्यूम है। एक बात मैंने नोटिस की है कि फुल वॉल्यूम पर भी इसका आवाज़ फटता नहीं है,
ना वोकल ना बेस, बहुत ही शार्प क्लियर और क्रिस्पी इसका साउंड है। एक रूम के लिए काफ़ी है, घर में अगर बर्थडे पार्टी है या कोई फंक्शन है तो ये स्पीकर आपको निराश नहीं करेगा। ये स्पीकर वर्टिकल है, टावर की तरह है, तो इसको जगह भी कम लगेगी। घर के एक कोने में आप इसे रख दो और प्ले करो और इंजॉय करो। 4 घंटा चार्जिंग करने पर 4 घंटे का प्ले टाइम मिलता है, ऐसा कंपनी का दावा है। तो कैसा लगा आपको ज़ूका रॉकर थंडर प्लस ब्लूटूथ स्पीकर? मुझे तो पसंद आया, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, नए टॉपिक पर नई बात होगी। जब तक अपना और अपनों का केयर कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद।